दोस्तों मेरे सामने कर रही है यामा की RX 135, और काफ़ी सही तरीके के इसमें मॉडिफिकेशंस हुए, पूरी रिस्टोर्ड हुई है। तो क्या क्या हुआ है वो सारी चीज़ें वीडियो में कवर करेंगे, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरा वर्कराउंड बता देता हूँ, उसके बाद इस पर कितना खर्चा हुआ है वो भी आपको मैं शेयर कर दूँगा। तो सामने से अगर आप देखेंगे तो भाई ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है। मतलब इंडिकेटर्स का डिज़ाइन देखिए, ये स्क्वायर रेक्टेंगल वाले जो आते हैं वो लगाए। इसकी जो हेडलाइट है ना, ये भी भाई बड़ी वाली लगी हुई है, अगर आप देखेंगे तो पूरा ऐसे कस्टमाइज़ करके बनाया हुआ है। उसके बाद फ्रंट मडगार्ड इसका प्लास्टिक का है, यहाँ पे पीछे एक एक्सटेंशन दिया हुआ है, डिस्क ब्रेक लगाए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो डिस्क ब्रेक है इस गाड़ी का, गाड़ी में जो लगा है, ये लगा हुआ है NS 200 का या फिर NS 160 का, वही वाला डिस्क ब्रेक है ये। और यहाँ पे भी जो है कवर करके रखा है, यहाँ पे शॉकअप्स के भी कवर लगे, यहाँ पे यामा का लोगो, स्पोक व्हील्स है, रेड कलर का इसका सेंटर हब है। अब साइड से दिखा देता हूँ, साइड से देखें तो कुछ इस टाइप का लेग गार्ड लगा है, ग्रे कलर का इसका जो इंजन पूरा कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ऊपर हेड ब्लॉक और ये सारी चीज़ें जो है ग्रे कलर में। ये आप देखेंगे RX 135 की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहीं से समझ में आती है, एक जो पाइप ऊपर की तरफ गया हुआ होता है। क्या यामा का लोगो, वाइट कलर है इसका, और कल ग्राफिक्स इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ब्लू और ये कुछ अलग ही टेक्सचर में रेड का टाइप में दिया हुआ है। यहाँ पे यामा और इसका लोगो वगैरह लगाया हुआ है। इसके बाद RX 135 की बैजिंग यहाँ पे दी हुई है, और ये कुछ इसका जो कलर स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा हटके जो इसका कलर लगाया हुआ है। ये जो पीछे इसका स्विंग आर्म है, इसमें अलग से पाइप वेल्ड किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अलग ही बल्कि सा लुक आ रहा है। एक और गाड़ी मैंने कवर करी थी, उसमें भी सेम ये डिज़ाइन अप्लाई किया हुआ था। सस्पेंशन आप देखेंगे तो नए सस्पेंशन इसमें इंस्टॉल किए, क्योंकि आपने TVS फिनिक्स में देखे होंगे, ये वही है। टायर्स आप देखेंगे तो टायर्स इसमें ग्रिप वाले इंस्टॉल करें, तो थोड़ा सा जो मोटोक्रॉस वाला डिज़ाइन है ना वो आपको देखिए, मैं अभी हैंडल के पास जब चलूँगा तो आपको उसे एक्सप्लेन करूँगा। पीछे की जो टेल लैम्प है, ये मुझे हिसाब से ये क्रक्स की है, और यहाँ पर आप देखिए तो पूरा टायर का डिज़ाइन, और ये इसका साइलेंसर है। एग्जॉस्ट का आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ। जब इसको भगाते हैं ना भाई, चलाते हैं उस टाइम पे काफी जबरदस्त आवाज़ है, वो आपको एक बार एक कुछ शॉर्ट्स भी डाल दूंगा चलाते हुए। तो ये इस साइड से कुछ है इसका लेडीज़ फुटरेस्ट, ये फुटपैक्स हो गए इसके, ये गियर लीवर हो गया। और अब चलते हैं भाई थोड़ा हैंडल बार की तरफ। चाबी देखिए, चाबी कुछ इस टाइप की है, और इसका जो हैंडल बार है ना, ये देखिए पूरा जो मोटोक्रॉस वाला टाइप का आता है वो है, चलाते टाइम पे काफ़ी सही लगता है। यहाँ पे ये सब चीज़ें लगाई हुई है। थ्रोटल आप देखेंगे तो ये भी मोटोक्रॉस वाला इंस्टॉल किया है। उसके बाद जो इसके साइड मिरर्स हैं, रियर व्यू मिरर्स हैं, ये देखिए इसका डिज़ाइन भी स्क्वायरिश टाइप में है, और ये कुछ ओवरऑल जो है इसका लुक हो जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त है, सीट की कंडीशन भी काफ़ी सही है, और इस गाड़ी को पूरा जो है जनरल जो रिस्टोरेशन होता है इसका, इंजन वर्क और बाकी बेसिक सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वर्क जो होता है वो होता है। गाड़ी दोस्तों आई थी हमारे पास भोपाल रेस्टोरेशन पर, तब इसकी कंडीशन कुछ ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी इसकी कंडीशन एकदम चेंज हो गई है, काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। और बाकी देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, RX तो भाई एकदम प्यार है, दिल की फीलिंग है, तो सामने खड़ी है तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और दोस्तों ओवरऑल गाड़ी का व्यू ओवरऑल यही था, कहाँ से काम हुआ है भोपाल रेस्टोरेशन से, डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस सब मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपको अपनी RX 100, RX 135 या फिर कोई सी भी XYZ पुरानी गाड़ी है जो कि विंटेज गाड़ियाँ होती हैं, उनको अगर आपको रिस्टोर करवाना है या फिर जो भी आप मॉडिफिकेशन वगैरह करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, बाकी एड्रेस नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दूंगा। और यही थी दोस्तों आज की वीडियो में, आने वाले वीडियो में और भी RX 100 और 135 जो भी XYZ गाड़ियाँ होंगी सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चैनल पर प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।